हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल की पूड़ी। तो इसके लिए मैंने 100 ग्राम मूंग के दाल लिए हैं। इसे मैं आधे घंटे के लिए पानी में फूलने के लिए दे दी हूँ। तो मैंने ये आधे घंटे पहले ही मूंग दाल को डाल दिया था, तो ये फूल चुका है। अब इसके पानी को हम अच्छे फेंक देंगे। पानी एक जरा भी इसमें नहीं है, ये देखिए। अब मुझे भूनना है, इसके लिए मैं गैस ऑन करके कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दे रही हूँ। कढ़ाई गर्म हो चुका है तो लगभग 2 से 3 चम्मच में सरसों का तेल डालूंगी। अब तेल गर्म होने पे मैं 2 तेज़पत्ते डालूंगी इसमें और 2 सूखी मिर्च तोड़ कर डालेंगे। अब मैं 1 चम्मच जीरा डालूंगी और 1 गट्टे लहसुन छिले हुए, और इसमें प्याज डालकर थोड़ा सा गुलाबी होने देंगे इसे। अब मैं इसमें मूंग दाल को डालकर थोड़ी देर भूनेंगे। इसे अच्छी तरह से हम चलाते रहें। अब इसमें मैं हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह से चलाऊंगी और 1 गिलास पानी देकर इसे ढककर एकदम लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो मैं इसे खोल के देख रही हूँ, तो ये देखिए इसका पानी सूख गया है। तो मैं इसे चेक कर लूँगी ये हुआ है कि नहीं। तो ये अभी नहीं हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के इसे हम ढक देंगे। ये अभी नहीं हुआ था तो मैं इसे फिर से ढक दी हूँ। तो ये अब दाल को फिर से हम खोल कर देखेंगे ये हुआ है कि नहीं। तो ये अब पक चुका है, पूरा पानी सूख चुका है। तो मैं इसे किसी गैस बंद करके किसी प्लेट में निकाल ले रही हूँ। ध्यान रखिए दाल जो है थोड़ा गर्म ही पीसिएगा। मैं इसे सील बिट्टे पे ही पीस रही हूँ। तो ये दाल जो है पिसा गया है। इसे भरने के मैं आटे को गूँथ ली हूँ और इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे, जैसे हम लोग रोटी बनाने के लिए लेते हैं ठीक इसी तरह। तो मैं जैसे रोटी के लिए लोई बनाती हूँ ठीक इसी तरह हम लोई बनाएंगे और उसके अंदर इसे भरेंगे हम लोग। तो गोल सा करके इसके अंदर हम गड्ढा करेंगे ताकि हम ये मूँग दाल को इसमें भर सकें और उसे अंदर की तरफ करके उसके मुंह को हम बंद कर देंगे। अब इसे हम बेल ले रहे हैं। ऐसे मैं करके सभी को कर लूँगी। ध्यान रखिए कि जिस टाइम आप लोई बना के मूंग दाल को भर रहे हैं वो थोड़ा कम ही भरे, ज़्यादा भरेंगे तो आप बेलेंगे तो उस टाइम वो फट जाएगा। तो वो जब जिस टाइम आप तलेंगे तो तेल में निकल मूंग दाल जो है वो बिखर जाएगा, इसीलिए थोड़ा कम ही भरे। तो मैंने इस तरह सभी को बेल लिया है। तो इसे हमें तलना है, इसलिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। तेल जब गर्म हो जाएगा, तो गर्म हुआ है कि नहीं इसीलिए मैं छोटा सा आटे की लोई को डालूंगी इसमें छोटा सा। ये तेल जो है हमारा जो गर्म हो चुका है, क्योंकि वो लोई जो है वो तल के निकल गया है, ऊपर तेल के ऊपर हो चुका था। तो मैं अब पूरी डाल रही हूँ इसमें। तो ये देखिए, ये तल रहा है। यहाँ पे लाइट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे लाइट चला गया था इस टाइम, तो इसलिए मैं चार्जिंग लाइट से वीडियो बना रही हूँ। तो ये जो पूरी जो है देखिए बहुत अच्छी तरह फूलेगा, क्योंकि ये थोड़ा भी फटा नहीं है। इसलिए अगर थोड़ा सा भी ये फूट जाएगा तो मूंग दाल जो है फैल जाएंगे। तो मैं इसी तरह सभी पूरियों को बेल लूँगी, इसी तरह सभी पूरी को मैं तल लूँगी। तो ये मूंग दाल की पूरी जो है वो खीर के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, या भी किसी ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ आप खाइए तो भी बहुत अच्छा लगता है। आप या तो हम लोग अक्सर पूर्णिमा के दिन बनाते हैं पूरी, क्योंकि हमारे यहाँ रोटी नहीं बनती है उस दिन, तो उस दिन ये पूरी ज़रूर बनाते हैं। तो ये हमारा पूरी जो है वो तैयार हो चुका है।